इस प्रकार की कथाओं का, इस प्रकार के सत्संग का आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए, क्योंकि जो तुम सुनोगे वैसा सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसे तुम बनोगे। अ मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स, और तुम्हारे विचार तुम जो देखते हो और तुम जो सुनते हो उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए वेदों में भी प्रार्थना करी गई, भद्रं करणे विश्रुणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः, हे देवताओं हम अपने कान से भद्र सुने जिससे हमारा कल्याण हो, कल्याणकारी वचनों को सुने, हम अपनी आंखों से भद्र देखें तब कल्याण है। नहीं तो केवल पैसा बनाने की, कमाने की मशीन बनकर के रह जाओगे और फिर वही इट ड्रिंक एंड बी मैरी, वेल्थ वुमन एंड वाइन, लो जी लिए। ये कोई जिंदगी है? ये कोई इंसान वाली जिंदगी? ऐसे जियो कि जीवन से संतोष मिले, तुम कह सको आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। मेरी संतति ऐसी है प्रभु कृपा से, उनमें संस्कार है, बहुत इज्जत करती है, माँ बाप की सेवा करने वाली संतति है। ये तो कब होगा? जब ये सारी चीजें, ये सब एक्टिविटीज होती रहेंगी तो, वो देखेंगे वो सुनेंगे तो। मुझे पूछ रहे थे ट्रस्टी, कह रहे थे कि युवाओं को इन्वॉल्व तो करना चाहते हैं लेकिन उनको लाएं कैसे यहां तक, उनको जो पसंद है वो एक्टिविटीज शुरू करो। युवा बहुत ज्यादा हाथ में माला लेकर जपने के लिए नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए, इंडोर गेम्स के लिए तैयारी करो, उन्हें खेलने दो, और धीरे 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 फिर एक समय ऐसा आएगा कि वे युवा भी कहेंगे हमको भी गीता के श्लोक सीखने हैं, रोज मंदिर में फिर आरती के में साथ साथ जुड़ेंगे, तो फिर वो जो स्तुतियां हैं एक ना एक दिन, 50 युवा है, 50 छोड़ो 25 युवा है, तो उसमें से 5 यूथ जाएंगे पंडित जी के पास, और पंडित जी ये आप जो रोज प्रार्थना करते हैं वो श्लोक मुझे भी जरा ठीक से समझने हैं, सुन इसका मीनिंग क्या होता है, ये आप शंकर जी का इस तरह से पूजा करते हो तो ये क्यों करते हो, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ, उनमें जिज्ञासा जागेंगी, इस तरह से जुड़ेंगे।